इंशाल्लाह विधानसभा में हम जाएंगे, जनता की खिदमत करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आपको एहसास करवा दूंगा, इंशाल्लाह आपको यह विश्वास हो जाएगा कि विधानसभा में तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त बैठा है। मेरे जितने भी दोस्त यहाँ, मैं मेरे मीडिया के बंधु को कहना चाहता हूँ, मीडिया वाले पूछते थे कट्ठे थाला 30,000 भाला, अरे भाला अरे भाला गुप्ता फरो भाले गुप्ता फरो भाले विधानसभा में जाए लो गुप्ता फरो भाले विधानसभा में जाए लो। बताना चाहता हूँ, आपने जो ताकत राजेंद्र गुड्डा अपने दोस्त को दी है, ये आपकी दी हुई ताकत जनता की खिदमत में लगाऊंगा, सेवा को लगाऊंगा। तुम संतुष्ट रहो, तुम संतुष्ट रहो। आपको बता देना चाहता हूँ, ये मेरे दोस्त, आप जो आप राजेंद्र गुड्डा के आज आके आपने और ये शिवम को आपने दुआओं से नवाजने और आशीर्वाद का काम किया है, आपको बताना चाह रहा हूँ, याद कर लेना अपने भाई को। ये आपका ऋण, आपका एहसान राजेंद्र गुड्डा आपको सूद सहित वापिस चुका देगा इंशाल्लाह। सूद सहित आपको इस राजनीति को बदलने के लिए, इसमें बदलाव लाने के लिए, जनता के जीवन में तब्दीली आए। जनता माँ बाप है, आवाम माँ बाप है, और ये कलेक्टर और एसपी नौकर है। मैं आपको आज शिवम के जन्मदिन के ऊपर मुबारक मौके पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम ये थानेदारी है, ये दादागिरी, ये डर का माहौल खत्म कर देंगे, और ये दो किला बर्ताव किसी के साथ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जो भी जनप्रतिनिधि होगा, चाहे वो विधानसभा में बैठे, चाहे वो लोकसभा दिल्ली जाके बैठे, जनता की सेवा करेगा। और आज राजेंद्र गुड्डा आपके भाई ने इन नेताओं को मैयत में बैठना शुरू करवा दिया है। हमारे झुंझुनू के सांसद लोग कहते हैं, विजेंद्र जी ओड़ा मौत में बैठने के लिए नहीं आते, अरे बाप बेटे साथ आने लग गए हैं। आपको बताना चाहता हूँ, बकरा की मौ खान ना बैठा दो तो मेरा नाम राजेंद्र गुड्डा बता दिया। यहाँ पर इस झुंझुनू की सरजमी पर जो जनता के बीच में रहेगा, जनता की खिदमत करेगा, जनता की सेवा करेगा, गरीबों और मजलूमों के दुआ लेगा और मजलूम की मदद करेगा, वो झुंझुनू की जनता के बीच में रहेगा, नकली समाज। आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने जो आज अपने भाई के ऊपर जितने पांव रखे आप यहाँ है, ये पांव राजेंद्र गुड्डा के सर पर रखे, आपने सर पर यह एहसान उतार दूंगा। और अब आतिशबाजी हो रही है और ज्यादा भाषण का मौका नहीं है मेरे भाइयों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा, ये जो ताकत है मेरी 100 गुना बढ़ गई है, 100 गुना। शिवम के जन्मदिन के ऊपर आपने मेरी ताकत को 100 गुना बढ़ा दिया, कभी भी याद कर लेना। अरे अरे चुनाव बाकी रखो, गयो बाकी रखो, गयो ये हिसाब गुप्ता फरो भालो बताऊं। ये अल्लाह मुझे वो ताकत दे
हरियाणा में जनता की खिदमत करूं, जनता की सेवा करूं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे वो ताकत देना, मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।